जिस तरह से आप कितने दिनों से क्या खासियत है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, तकरीबन 50-52 साल हो गए हैं। ये उर्स जो है 100 साल पहले से ये तर्जुमा आई जी जो बिहार के मुस्लिम आई पी एस थे उन्होंने और इस मौलान शरीफ की क्या बताएं। सबसे पहले है कि हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम यहाँ जो इस तरह से मोहब्बत है शायद नहीं होगा। और मौलान के बारे में हम ये जानते हैं कि यहाँ जो भी लाइलाज बीमारी है जैसे बीमारी हो गई और कोई मर्ज ऐसा मर्ज जो ठीक नहीं हो सक रहा है, वैसे लोग यहाँ आते हैं, उनको यहाँ से कामयाबी मिलती है। वो एक महीना दो महीना रहते हैं यहाँ और यहाँ के बारे में पूरी तफसील मैं किताब भी लिखी थी। किताब का नाम बजलियात है, आज से 20 साल पहले किताब शुरू हुई। तो मजार शरीफ में काफ़ी लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम लोग आते हैं और 100 साल से ऊपर से भी यहाँ ये मतलब उस होते आ रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितने कितने दूर से यहाँ आते हैं? तकरीबन जैसे मेरे अंकल आए हुए हैं लंदन से अभी, और क्या अदर स्टेट के भी लोग यहाँ आते हैं? अदर स्टेट नहीं, अदर कंट्री की बात कीजिए। अदर कंट्री के भी लोग आते हैं, इंग्लैंड से आए हजार मेरे, और उसके अलावा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली वगैरह से काफ़ी लोग आए हुए हैं। पूरे तरफ गांव से जहाँ के लोग रहते हैं और जो इनका यहाँ पर यकीदा उनको है वो लोग भी आते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ अमन ये सैयद अहमद खान गाई जाजिर रहमतुल्लाह अलैह का जो वादा किया था कि मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का कोई ये होने नहीं दूंगा, वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज भी जिस वक्त हिंदुस्तान पूरा जल रहा था, मेरा गांव एक अमन का पैगाम लेके खड़ा था कि हमारे गांव में किसी तरह का कोई ये नहीं हो, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं हिंदू मुस्लिम लोग। हमारे बाल भाई जो आए हुए हैं बर्नपुर से, हर साल आते हैं, वो पूरे खाने का इंतज़ाम करते हैं यहाँ लोगों का। जावेद भाई मुंबई से आए हुए हैं और दीगर भाई एजाज भाई वगैरह सब आए हुए हैं। तो जावेद भाई तो आप इनसे पूछते हैं भाई क्या दो बात बोलो आप दो बात बोलो।